यहाँ पे जाके ना इसकी नंबर प्लेट दिखेगी, बाकी है ना नंबर प्लेट इसकी कहीं भी नहीं दिखने वाली। दूर से अगर कोई पुलिस वाला भी देख रहा ना, तुम्हारा चालान भी करना चाहे तो भाई वो भी कहीं नहीं दिखेगी। इसको करना कुछ नहीं है भाई, ऐसे करना है स्लाइड, तो ये नंबर प्लेट यहाँ पे चिपक जाएगी। आप तुम देख सकते हो सब कुछ लीगल है भाई, तुम्हारी बाइक के अंदर तुम्हारी यहाँ पे नंबर प्लेट भी लगी हुई है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड बैक टू चैनल, स्वागत है आपका फिर से एक प्यारी सी वीडियो में। आज की जो वीडियो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है सुबह सुबह और अपने घर से। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हमारी RS 200 के अंदर टेल लाइट इंस्टॉल। जैसे कि तुमको पता है भाई ये आती है अपनी मैग्नेटिक टेल लाइट, तो आज अपन अपनी बाइक में करने वाले इंस्टॉल इसको। बहुत तगड़ी तरीके से तुमको मैं बताने वाला हूँ कैसे अपन इसको घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं और कैसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ पे इंस्टॉल करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर तुमको मैं बता दूंगा। बाकी तुम देख सकते हो अपने बाइक का बैक प्रोफाइल जो है, यहाँ से अपन ने सूर्य मतलब कि इसका लाइट वगैरह रिमूव कर रखी है और यहाँ से इसका बैक कवर रिमूव कर रखा है। तो तुम देख सकते हो इसका आफ्टर ऑल जो लुक आ रहा है ना वो बहुत तगड़ा आ रहा है। इसके बाद में है ना अपने को करना होता है अपने बाइक के अंदर अपन टेल लाइट इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि अपनी जो लाइट है ना वो अपने आप है ना हट जाती है और है ना चिपक जाती है। सबसे बढ़िया फायदा इसका ये होता है, अगर तुमको मैग्नेट अपनी लाइट को ऊपर करना है नंबर प्लेट को तो तुम ऊपर भी कर सकते हो। वैसे तो इलीगल है भाई, अगर तुम नंबर प्लेट को ऊपर करके चलाते हो तो तुम्हारी बाइक सीज भी हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी नंबर प्लेट को लगा के चलाते हो तो सबसे बेस्ट है भाई ये। तो आज की वीडियो में मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि कैसे अपन घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे पूरा सब कुछ बताने वाला, नंबर प्लेट वगैरह इंस्टॉल करके मेरी जो भी नंबर प्लेट ओरिजिनल है ये सभी रिकमेंड करूंगा भाई, ओरिजिनल काम ही करो तुम। तो ये सब चीज़ अपन इस बाइक के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, वन टू वन तुमको बताऊंगा कैसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक तुम जरूर देखना पूरी इन्फॉर्मेशन। अपने को इंस्टॉल करने के लिए चाहिए बाइक के अंदर ये ना कुछ पार्ट्स आते हैं, वही सभी अपने को चाहिए। इसके जो अपन यहाँ से पेज रिमूव करते हैं ना वही पेज अपने को वापस यूज के अंदर चाहिए। कोई भी है ना आफ्टर मार्केट कोई भी तुमको चीज़ नहीं बताऊंगा जो भाई तुमको बाहर से खरीदनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मैं ना वीडियोस बनाता हूँ जो खड़ी करके बाइक को बनाता हूँ तो उसके अंदर ना सारे जो पार्ट्स होते हैं ना वो बाइक के ही होते हैं और बाइक के अंदर से निकाले हुए होते हैं और बाइक के अंदर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं वापस। तो ये जो अपने पेजेस आते हैं ना ये अपने बाइक की जब अपन लाइट को रिमूव करते हैं ना जो मेन लाइट आती है इस बाइक की जो कंपनी देती है वही वाले पेज है भाई। तो अपने को वैसे तो तीन पेज ही होते हैं पर अपने को इसके अंदर दो पेज से काम हो जाएगा भाई। तो अपने को सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, ये जो पैराग्राफ होता है ना ये वाला ये अपने बाइक के अंदर यहाँ पे इंस्टॉल होता है। उसके बाद में अपने को ये भी मिल जाता है, तुम इंडिकेटर लगाना चाहो तो तुम इंडिकेटर भी लगा सकते हो, और अगर तुम रेड लाइट लगाना चाहो तो यहाँ पे तुम रेड लाइट वगैरह भी लगा सकते हो ब्रेकिंग के लिए। बट अभी अपन हाल फिलहाल तुमको मैं नंबर प्लेट इंस्टॉल कर दिखाऊंगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेन होता है कि भाई अगर तुम्हारे बाइक के अंदर पीछे नंबर प्लेट नहीं है ना तुम्हारी बाइक कहीं भी पुलिस पकड़ सकती है। तो सबसे मेन चीज़ तो वही है, तुमको इस वीडियो के अंदर वही बताने वाला हूँ। चाहिए अपने को दो पेज यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए। इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे अपने ना पूरे दे रखे हैं सेगमेंट वगैरह सब कुछ जगह दे रखी है। तो इसके अंदर पूरे छेद है तुम्हारे साइज के हिसाब से, तुमको इसके अंदर पेज लगाना है और पेज लगाने के बाद इसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले अपन ये काम करते हैं, इसको सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। तो फाइनली गाइस अपन ने कर लिया इसको इंस्टॉल। तुम देख सकते हो ऐसे इसका वर्क होता है, यहाँ पे एक मैग्नेट होती है और यहाँ पे एक मैग्नेट होती है, यहाँ पे चिपक जाता है ऐसे कैसे और यहाँ पे ऐसे कैसे चिपक जाता है। तो अपन ने बेसिक प्रिंसिपल तो कर लिया है इसके अंदर जो भी अपना होता है। अब इसके बाद में अपन इसके अंदर नंबर प्लेट इंस्टॉल करते हैं अपने, फिर उसके बाद में तुमको दिखाऊंगा। बट भाई नंबर प्लेट के अंदर एक चीज़ है कि तुमको जो तुम्हारा नट बोल्ट होना चाहिए नंबर प्लेट का वो थोड़ा छोटा होना चाहिए भाई। जैसे मेरे नंबर प्लेट का एक साइज का है ना नंबर, ये जो पेज है ये छोटा है, इसलिए मैंने तुमको ना एक पेज इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ जिससे नंबर प्लेट तो रुक जाएगी। बट ये कि तुमको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम ये नंबर इसको लगा रहे हो अपनी इस टेल लाइट को लगा रहे हो जो यूनिवर्सल टेल लाइट आती है, तो अपने ना जो नंबर प्लेट का पेज है ना उसको थोड़ा छोटा लगाना है भाई। वरना ये है ना तुम्हारे पीछे जब ये फोल्ड होगी ना भाई, ये जब है ना ये इसके अंदर यहाँ पे टच होगा पीछे, तो मैं इसको है ना उल्टा इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। और मेरी नंबर प्लेट तुम देख सकते हो कि है ना ये टूटी हुई है थोड़ी जगह से, इस वजह से ना ये पेचेस का भी भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा है ना तुमको 90-20 तो चलना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि है ना ये यूनिवर्सल है, कोई भी है ना स्पेसिफिक बाइक के लिए नहीं बनी हुई भाई ये। तुम कोई सी भी नंबर प्लेट लोगे ना ये मैग्नेटिक वाली, ये सारी ऐसी आती है जो कंपनी बाइक जो कंपनी की तरफ से आती है ना वो एक इसकी स्पेसिफिक नंबर प्लेट होती है, बाकी तो सारी है ना ऐसी होती है डुप्लीकेट वगैरह होती है। तुमको अगर रियल बताऊँ तो, क्योंकि कोई भी फिक्स नहीं होती कौन सी बाइक के अंदर ये इंस्टॉल होने वाली है, ये तुम्हारे बिहाफ पे होता है तुम कौन सी बाइक के अंदर इसको इंस्टॉल करो। तो फाइनली गाइस अपन ने इसको इंस्टॉल कर लिया भाई यहाँ पे। ये इंस्टॉल इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि भाई अगर तुम्हारी बाइक के नंबर प्लेट को तुम नॉर्मल रखना चाहते हो तो अभी नंबर प्लेट नॉर्मल है भाई, सब कुछ लीगल है। अगर तुमको इलीगल जाना है तो भाई कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे स्लाइड करना है और इसको ना यहाँ पे ऐसे कैसे जैसे चिपकती है ना भाई वैसे कैसे ना इसको चिपका देना भाई, ये ऐसे कैसे यहाँ पे चिपक जाएगी। नॉर्मल से प्रिंसिपल आप तुम देख सकते हो ना, दूर से अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हारी नंबर प्लेट है ना इसमें कहीं भी नहीं दिखने वाली, पता भी नहीं लगेगा नंबर प्लेट लग रही है। बट अगर तुम नीचे से क्लोज जाते हो ना भाई तो यहाँ पे जाके ना इसकी नंबर प्लेट दिखेगी, बाकी है ना नंबर प्लेट इसकी कहीं भी नहीं दिखने वाली। दूर से अगर कोई पुलिस वाला भी देख रहा ना तुम्हारा चालान भी करना चाहे तो भाई वो भी कहीं नहीं दिखेगी। इसको करना कुछ नहीं है भाई, ऐसे करना है स्लाइड, तो ये नंबर प्लेट यहाँ पे चिपक जाएगी। आप तुम देख सकते हो सब कुछ लीगल है भाई, तुम्हारी बाइक के अंदर तुम्हारे यहाँ पे नंबर प्लेट
भी लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि अगर तुम ये ऐसा करना चाहते हो ना, इसके अंदर मतलब कि नॉर्मल भी आती है अगर नंबर प्लेट तुम नॉर्मल लगाना चाहते हो, बट ये तो क्या है मैग्नेटिक है। अगर तुम्हारी बाइक को तुम थोड़ा क्रेजी लुक देना चाहते हो जैसे मैंने मेरी बाइक को दे रखा है, कुछ नहीं करना भाई, ये नंबर प्लेट है इसको ऐसे स्लाइड करना है और ये ऐसे कैसे ऊपर चिपक जाएगी। अगर तुम इसके अंदर इंडिकेटर इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम इंडिकेटर भी इंस्टॉल करना कर सकते हो। यहाँ पे ओरिजिनल मेरे बाइक के अंदर ओरिजिनल रखे, बट मैंने नंबर प्लेट इंस्टॉल इंडिकेटर वगैरह इंस्टॉल नहीं किया। बाकी तुम देख सकते हो इसका जो लुक आता है ना पीछे वो बहुत तगड़ा आता है, और इसको अगर नीचे से देखते ना तो ही अपनी है ना नंबर प्लेट दिखती है, बाकी है ना ऐसे नंबर प्लेट नहीं दिखती इस बाइक के अंदर। और अगर तुम इस बाइक के नंबर प्लेट को नीचे कर दोगे तो ये तो है ना भाई कहीं से दूर से भी दिख जाएगी। जैसे मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो भाई ये है ना नीचे हो चुकी है, तो अब ये बाइक है ना नंबर प्लेट कहीं से भी दूर से दिख जाएगी। अगर कोई पुलिस वाला पकड़ता भी है तुम्हारे बाइक के अंदर नंबर प्लेट है भाई, अगर तुम इसको पीछे अगर तुम कहीं भी जाते हो तो इसको ऊपर कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसे रखते हो तो बिल्कुल तुम्हारी बाइक ओरिजिनल है जैसे इसके नंबर प्लेट आती है, तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बाइक का सबसे बढ़िया ये इस नंबर प्लेट का है ना सबसे बड़ा फीचर यही है भाई कि तुम अपने ना नंबर्स को हाइड कर सकते हो। अगर तुम्हें ना कोई कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं अपनी बाइक को कुछ नहीं करना, ऐसे स्लाइड करना, ऐसे नंबर प्लेट को ऊपर चिपकाना है, और ये तुम्हारा वर्क हो चुका है। तो मैं होप करता हूं तुमको वीडियो वगैरह होगी अच्छी लगी होगी। बात करते हैं इस नंबर प्लेट की रेट वगैरह की, तो तुम ऑफलाइन इसको खरीदते हो तो भाई ये तुमको पड़ती है अप्रॉक्सिमेटली 350 रुपीज़ की पड़ती है। अगर तुम इसको ऑनलाइन खरीदने जाते हो तो भाई ये थोड़ी कॉस्टली हो जाती है, ये चली जाती है 500-600 रुपये तक चली जाती है भाई ओरिजिनल होने के बाद, मतलब कि ऑनलाइन आने के बाद। लेकिन भाई इसका वर्क जो है वो बहुत तगड़ा है, तुमको भी मजा आएगा। अब तुम लुक देख सकते हो भाई नंबर प्लेट आराम से लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं अगर तुमको पुलिस पकड़ती है तो भी। लेकिन अगर तुम पीछे से ऊपर से देखोगे तुम्हारी बाइक की नंबर प्लेट कहीं भी नहीं दिखने वाली, कोई भी तुम्हारे बाइक के नंबर नोट नहीं कर सकता इस चीज़ के अंदर। और तुम इसका लुक वगैरह देख सकते हो, अगर तुम्हारी बाइक को लुक रखना है तुम्हारी बाइक का तो तुम्हारा वो वर्क भी हो गया। 3-in-1 चीज़ है भाई ये, लुक भी हो जाएगा, नंबर प्लेट भी हो जाएगी और कूल भी लगेगी तुम्हारी बाइक। तो मैं होप करता हूं तुमको वीडियो वगैरह होगी भाई अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, और अगर चल पे तो नहीं तो क्या करना, चलो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई प्यारी वीडियो आते तक के लिए, बाय बाय, स्वस्थ मस्त खाते पीते रहो।